बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो रिप्रेजेंटेशन सीखें उससे पहले हम एक एक्टिविटी को समझ लेते हैं। देखिए, आप सब लोगों ने चूना नाम तो सुना होगा ना, चूने का। सपोज एक ये बीकर है या एक कंटेनर है, उसमें कुछ वाटर भरा हुआ है और उस वाटर में हमने चूना डाल दिया। चूना स्टोन की फॉर्म में आता है, पाउडर की फॉर्म में भी आता है, लेकिन हमें चाहिए, मुझे स्टोन वाला होता है। तो जैसे ही हम चूने को इसमें डालेंगे तो इसमें एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। होगा क्या कि वाटर में आप देखेंगे कंटेनर में से कुछ बबल्स उठना शुरू हो जाएंगे और ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और साथ साथ ये कंटेनर गर्म होने लगेगा और ये इतना गर्म हो जाएगा कि इसमें से वाटर वेपर भी बाहर आने लगेगी। इतना गर्म हो जाएगा कि इसको छूना भी आसान नहीं होगा। तो जब ये केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये बबल्स उठना बंद हो जाते हैं और कंटेनर भी ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होने के बाद देखते हैं कि कंटेनर में जो बचता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो वाइट कलर का प्रोडक्ट होता है लिक्विड फॉर्म में। और याद कीजिए, इसको शायद कुछ बच्चे जानते होंगे कि इसको गांव में पुताई के रूप में काम करते में लेते हैं, पेंट करने के लिए। वॉल्स को पेंट करते हैं इससे, इसमें ब्रश डुबोते हैं और फिर वॉल्स पर उससे पेंट करते हैं। कुछ लोग जरूर जानते होंगे जो गांव को बिलोंग करते हैं। खैर, तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन क्या हुई कि चूना जब वाटर से रिएक्शन करता है तो एक पेस्ट जैसा बना लेता है, ठीक है ना। तो देखिए, इस चूने को हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूने का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। वाटर का तो आप लोग जानते ही हैं, H2O। और ये जो बना है बुझा चूना, जिसका नाम हम बोल रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुई है, इसको हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखते हैं, देखिए ये मैंने एक वर्ड्स इक्वेशन बनाई है, चूना प्लस वाटर। जब चूने को वाटर में डिजोल्व करते हैं या मिक्स करते हैं तो बुझा चूना बनता है और साथ साथ हीट प्रोड्यूस होती है। इसको अगर हम मॉलिकुलर फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है चूने का, और वाटर को वाटर ही बोलते हैं, बुझे चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और हीट को हीट ही बोलते हैं। अब देखिए इसका मॉलिकुलर फॉर्म देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, आप जानते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हीट प्रोड्यूस हुई। तो देखिए ये है, इस जो अभी जो आपने रिएक्शन देखी थी एक्टिविटी में उसका रिप्रेजेंटेशन। ये इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ये उसी रिएक्शन का जो अभी अभी आपने चूने की और वाटर की रिएक्शन देखी थी, उस रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन कहलाती है, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन है, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता। हमें ये चेक करना होता है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं। बैलेंस्ड का मतलब होता है कि जो आप एरो देख रहे हो, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड वाले कहलाते हैं प्रोडक्ट्स, है ना। तो हमें देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में ईच टाइप के
एटम्स, और राइट साइड में ईच टाइप के जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड हैं या नहीं। बैलेंस्ड का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स हैं ईच टाइप के वो राइट साइड में भी होने चाहिए। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखें आप, कैल्शियम 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 का एक कैल्शियम का यहाँ पर वन एटम है, यहाँ पर कैल्शियम का वन एटम है, ठीक है ना। और इधर देखिएगा राइट हैंड साइड में कैल्शियम का वन एटम है, राइट, ये कैल्शियम का वन एटम है। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो कुल हो गए टू एटम्स। ऑक्सीजन के यहाँ पर टू एटम्स हैं। अब राइट साइड में देख लेते हैं, ऑक्सीजन के भी टू एटम्स हैं। देखिए ये जो टू है ना वो बताता है कि ऑक्सीजन दो है और हाइड्रोजन भी दो हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, टू एटम्स हो गए। अभी फिलहाल तो कैल्शियम के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स तो बैलेंस्ड हैं, अब बचता है अपना हाइड्रोजन का एटम H2। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन के भी यहाँ पर टू एटम्स हैं, और इस साइड देखते हैं हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं। तो देखा जाए तो ये रिएक्शन या ये इक्वेशन तो पहले से ही बैलेंस्ड है, क्योंकि कैल्शियम का एक एटम वन एटम है, इधर भी कैल्शियम का वन एटम है, ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं, इधर भी ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं, हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं, हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं, और इधर भी हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं, तो ये बैलेंस्ड है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं ये सीखने के लिए कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस्ड किया जाता है। ये देखिए पुरानी इक्वेशन है, रिएक्शन है जो आपने कल पढ़ी थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है, ठीक है। खैर हमें तो यहाँ इसको बैलेंस है या नहीं है ये चेक करना है। देखिए इधर हाइड्रोजन के कितने एटम, यहाँ हाइड्रोजन का एटम है कि हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, टू, इधर हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं, ठीक है बैलेंस्ड है। इधर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, टू एटम्स हैं, इधर ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है, तो इसे हमें भी दो करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि H2O से पहले यहां पर हम टू लिख देंगे, ये देखिए टू। टू लिखने से क्या हुआ कि ऑक्सीजन के दो एटम्स हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के टू टू जा फोर एटम्स हो गए यहां पर, और इधर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहां भी टू से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन के टू टू जा फोर एटम्स कर लेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के फोर एटम्स हो गए, इधर हाइड्रोजन के भी टू टू जा फोर एटम्स हो गए, इधर हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं और इधर भी सॉरी इधर ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं और इधर भी ऑक्सीजन के टू एटम्स हो गए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, इट मींस ये रिएक्शन, ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड इक्वेशन है। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए ये जिंक है, जिंक आपने देखा होगा जो टॉर्च में जो सेल लगते हैं, अगर आप उसको देखा होगा आपने, सेल तो जरूर देखा होगा। सेल के दो एंड्स होते हैं, एक तरफ तो कैप होता है पॉजिटिव एंड और एक तरफ एकदम फ्लैट होता है, वो होता है नेगेटिव एंड एंड। तो नेगेटिव एंड जो होता है जिस मेटल का बना होता है वो जिंक से बना होता है, ओके। तो अगर हम उस जिंक को छोटे छोटे पीस पीसेस में कन्वर्ट कर लें, काट लें, और उसको सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का ये मॉलिकुलर फार्मूला है H2SO4। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को या जिंक पीसेस को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करेंगे तो एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और रिएक्शन होगी तो जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बबल्स की फॉर्म में। खैर हमको तो ये चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, तो करते हैं चेक करते हैं। ये देखिए यहां पर जिंक का वन एटम है और राइट साइड जिंक का वन एटम है, ठीक है जिंक तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के
टू एटम्स हैं और इधर भी हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं। सल्फर का वन एटम है और इधर सल्फर का वन एटम है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के फोर एटम्स हैं और इधर भी ऑक्सीजन के फोर एटम्स हैं, तो ये भी बैलेंस्ड है पहले से ही, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं, ये देखिए, ये एक और रिएक्शन है आपके सामने, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट भी स्टोन की फॉर्म में मिलता है और नेचुरली ये हमको मिल जाता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे आपने देखा मार्बल, मार्बल स्टोन देखा ना आपने, उसको भी कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, सेल खड़ी वगैरह ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही कहलाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये वही चूना है जो पीछे आपने देखा था, चूना इसी तरीके से बनाया जाता है। जब हम स्टोन जो हमको मिलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, देखिए जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ये वहाँ से स्टोन आता है, उसको लाकर जब हम उसको हीटअप करते हैं तो इस तरीके से चूना बना सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि आपने अभी एक्टिविटी में देखा था। तो खैर, हमें तो ये समझना है कि ये बैलेंस है या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं फिर। इधर देखिए कैल्शियम का वन एटम है और राइट साइड कैल्शियम का वन एटम है, ठीक है। कार्बन, कार्बन का भी वन ही एटम है और इधर कार्बन का वन एटम है। अब बचता है ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन के थ्री एटम्स हैं और इधर ऑक्सीजन के टू और वन थ्री थ्री एटम्स हैं, तो ये भी पहले से ही बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। और चेक करते हैं, देखिए ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक केमिकल होता है जिसको आपने देखा होगा एक्सरे, एक्सरे देखा ना, एक्सरे जब आता है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, तो एक्सरे में इसी का पेस्ट किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का। तो जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये भी स्प्लिट हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में, सिल्वर में एंड क्लोरीन में। चेक करते हैं कि ये रिएक्शन, ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं। इधर देखिएगा Ag का वन एटम है और राइट साइड भी Ag का वन एटम है, इधर Cl का एक एटम है और राइट साइड Cl के दो एटम्स हैं, तो Ag तो बैलेंस्ड है लेकिन Cl बैलेंस नहीं है। इधर Cl के दो हैं एटम्स, तो इधर अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन साथ साथ Ag के टू एटम्स हो गए, तो यहाँ हम Ag से पहले टू लिख देंगे। अब ये बैलेंस हो गया क्योंकि इधर Ag के दो एटम्स हो गए, Cl के भी दो एटम्स हो गए, Ag के यहाँ दो एटम्स हो गए और Cl के भी दो एटम्स हो गए, ये बैलेंस हो गई है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ देखिएगा Zn का एक एटम है, इधर भी Zn का एक ही एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम है, इधर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर टू लगा देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के दो एटम्स हो गए, अब Cl के दो एटम्स हैं इधर और इधर Cl के दो एटम्स, एक बार चेक कर लीजिए, Cl के दो एटम्स हैं, जिंक का एक, Zn का एक एटम, Zn का एक एटम, हाइड्रोजन के दो एटम्स, हाइड्रोजन के दो एटम्स, Cl के दो एटम्स, Cl के दो एटम्स, ठीक है, ये भी बैलेंस्ड है। अब देखिए एक और रिएक्शन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब होती है
तो बेरियम सल्फेट बनता है प्रोडक्ट की फॉर्म में, और सोडियम क्लोराइड बनता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हमें चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। इधर अगर हम देखते हैं तो सोडियम के दो एटम्स हैं, इधर सोडियम का एक ही एटम है। तो अगर हम यहाँ टू लिख देते हैं तो सोडियम के टू एटम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं सल्फर का एक एटम है, इधर सल्फर का एक एटम है राइट साइड, है ना। हमें एरो से लेफ्ट एंड राइट देखना होता है। अब देखिए ऑक्सीजन के फोर एटम्स हैं, इधर ऑक्सीजन के फोर एटम्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन भी ठीक है अभी तक। बेरियम, बेरियम का एक एटम है और इधर बेरियम का भी वन ही एटम है। एक बार और चेक कर लेते हैं, सोडियम के दो एटम्स, इधर सोडियम के दो एटम्स, सल्फर का सिंगल एटम, इधर भी सल्फर का सिंगल एटम, ऑक्सीजन के फोर एटम्स, ऑक्सीजन के फोर एटम्स, बेरियम का वन एटम, बेरियम का वन एटम, सीएल के दो एटम्स, सीएल के दो एटम्स, ये भी बैलेंस्ड है। ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है रिएक्शन की, ये है कॉपर ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस। जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कराते हैं तो रिएक्शन होती है जिसमें कॉपर सेपरेट हो जाता है ऑक्साइड से अपने, यानी कॉपर, प्योर कॉपर बनता है और वाटर बनता है। इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप इसको बैलेंस कीजिएगा। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आप सीख पाए होंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में और फिर उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। इसकी एक वर्कशीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप इस नंबर पर 9759753309, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रिक्वेस्ट मुझे सेंड करेंगे तो मैं इसकी वर्कशीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।